तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग देख रहे हैं आपका अपने टेक्निकल एक्सपर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूं एक हीटर, जिसको गाइस आप लोग जो है घर पर आसानी से बना सकते हैं, वो भी मात्र 30 से 40 रुपए के खर्चे में। तो गाइस, कैसे मैंने इस हीटर को बनाया है, चलिए जान लेते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स, आओ कुछ नया करें। गाइस, आप लोग यहां पर देख सकते हैं मेरे पास यहां पर एक जाल है, जो कि गाइस फैन में यूज होता है। जो गाइस जो टेबल फैन होता है उसमें गाइस ये जो है यूज होता है। तो गाइस ये जो है छोटा वाला जाल है। तो गाइस अभी हम लोग को जो है इसके ऊपर एक जो है एम सील को लगाना होगा। तो गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हैं, रही जो है एम सील। तो गाइस अभी हम लोग को जो है इसको दोनों को जो है मिक्स करना है, और गाइस उसके बाद जो है हम लोग को इसको जो है लगाना होगा। तो गाइस सबसे पहले जो इसको बाहर निकालते हैं, और गाइस इसको हम लोग जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस यहां पर जो है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस हमें जो इसमें से थोड़ा सा चाहिए। तो गाइस हम लोग जो यहां पर आधा आधा जो है यहां पर इसको जो है तोड़ लेंगे, और गाइस इसको मिक्स कर लेंगे। तो गाइस आधा साइड में रखते हैं, और गाइस आधा हम लोग को जो है इसमें से ले लेना है। तो गाइस इसको भी यहाँ से जो है तोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और गाइस अभी हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा और तोड़ देते हैं, क्योंकि गाइस ये जो है ज़्यादा हो गया है। तो गाइस इसको साइड में रखते हैं, और गाइस अभी हम लोग को जो है इन दोनों को जो है मिक्स कर लेना है। तो गाइस इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और गाइस इसको जो है मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइस मैं जो है या तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। गाइस मैंने इसको जो है यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया, और गाइस उसके बाद जो है अभी हम लोग को इस जाल के ऊपर जो इसको लगाना है। तो गाइस हम लोग को जो है किसी भी साइड पर जो है इसको यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा आधा इसको कर लेता हूँ, और गाइस उसके बाद जो हम लोग को किसी भी साइड में जो है हम लोग को इसको जो है लगा देना है। तो गाइस यहाँ पर जो है इस तरह मैं लगाता हूँ, और गाइस हम लोग को जो है पूरा लगाना है, बस एक छोटा सा होल रख देना है इसमें। तो गाइस इसको जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है पूरा लगा लेते हैं, और गाइस उसके बाद जो हम लोग को इसके बीच में एक होल करना होगा। तो गाइस वो होल भी मैं कर लूँगा। गाइस आप लोग को मैं जो यहाँ पर दिखा देता हूँ कि गाइस मैंने यहाँ पर जो है इसमें एमसील लगा ली, और गाइस इसके जो है बीच में होल कर लिया। तो गाइस ऐसे मैंने यहाँ पर दोनों ओर जो है एकदम आमने सामने यहाँ पर जो है किया है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग को जो इसको सूखने में जो है थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक 5 से 6 घंटे। तो गाइस अभी इसको जो है थोड़ी देर सूखने देते हैं, और गाइस उसके बाद जो है मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसकी जो है बाद हम लोगों को करना क्या है। तो गाइस सबसे पहले जो इसको सूख लेने देते हैं अच्छे से। 6.5 hours later. तो गाइस आप लोगों को मैं जो यहाँ पर दिखा देता हूँ। गाइस यहाँ पर जो है ये अच्छे से यहाँ पर जो है सेट हो गई इसकी, जो मैंने यहाँ पर जो है एमसील लगाई थी वो गाइस यहाँ पर जो है अच्छे से सेट हो चुकी है, और गाइस ये जो है दोनों तरफ हो चुकी है। तो गाइस अभी हम लोग को यहाँ पर एक रॉड ले लेनी है। तो गाइस आप लोगों को मैं यहाँ पर रॉड भी दिखा देता हूँ। गाइस आप लोग को जो है हीटर वाली रॉड किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जो है 40 से 50 रुपए की जो है आप लोगों को मिल जाएगी। तो गाइस मुझे तो यहाँ पर जो है 40 रुपए की मिली। अगर गाइस आपके वहाँ पर अगर सस्ती या महंगी मिलती है तो गाइस आप लोग जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो गाइस अभी हम लोग को जो इसको यहाँ पर जो है इसके अंदर कुछ इस प्रकार जो यहाँ पर फिक्स करना है, और गाइस उसके बाद जो हम लोग को यहाँ पर इसके साथ जो यहाँ पर जो इसके ऊपर वाले जो कसने के लिए मिलते हैं, तो गाइस अभी हम लोग को जो इसको भी कस लेना है। तो गाइस जल्दी से इसको कसते हैं, क्योंकि गाइस इसको जो है मैंने बहुत ऊपर किया। तो गाइस ये जो है टाइट कसेंगे तो गाइस मुझे इसको जो है खुल खल कर जो यहाँ पर कसना पड़ेगा। तो गाइस इसको जो है कस लेते हैं पहले। तो गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है अच्छे से फिक्स कर दिया मैंने, और गाइस यहाँ पर जो इसकी वायर्स को जो मैंने यहाँ पर जो है कनेक्ट करके निकाल दिया है। तो गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो अच्छे से कनेक्ट हो गई, और गाइस ये जो है निकल गई, और गाइस ये जो है कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो है अच्छे से फंस गया है। तो गाइस अभी इसके बाद जो हम लोग को यहाँ पर एक जरूरत पड़ेगी जो चादर होती है टीन की, तो गाइस उसकी। तो गाइस आप सब लोगों को मैं जो यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गाइस मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई थी, अगर गाइस आप लोग जो है इसको खरीद सकते हैं तो गाइस आप लोग जो इसको खरीद सकते हैं, नहीं तो गाइस आप लोग इसके नीचे जो पीवीसी सीट होती है उसको भी लगा सकते हैं। तो गाइस हम लोग को जो इसको कुछ इस प्रकार जो इसके ऊपर रखकर जो है इसको रिंग के वायर होते हैं ना उनसे गाइस हम लोग को इसको अच्छे से कस देना है। तो गाइस इसमें जो है होल करते हैं, और गाइस उसके बाद जो है कसते हैं, और गाइस इसका एक जो अच्छा सा स्टैंड बनाते हैं। तो गाइस उसके बाद जो है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो इसको अच्छे से कस दिया है इसके ऊपर जो है, और गाइस यहाँ पर जो है इसको बाहर की मदद से जो है मैंने यहाँ पर टाइट कर दिया है। और गाइस यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है अच्छे से मैंने यहाँ पर जो है इसको जो है स्टैंड टाइप के बना दिया, जिससे गाइस ये जो है अच्छे से रख जाए। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कुछ इस प्रकार जो है रख जाएगा, और गाइस इसकी जो है ये रही वायर्स। तो गाइस मैंने यहाँ पर जो है इसमें कॉपर की वायर यूज की है। आप गाइस
जो है मोटी वायर का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस अभी इसको जो है चेक करते हैं जो है कैसे कैसा जो है वर्क कर रहा है, और गाइस इससे जो है हम लोग को कोई भी जो करंट का खतरा नहीं होगा। और गाइस मैंने यहाँ पर एमसी लगाई इसलिए क्योंकि गाइस ये जो है हमें यहाँ पर कहीं पर भी जो करंट नहीं आने देगी। तो गाइस चलिए अभी हम लोग जो इसको चेक करते हैं, जो इसके यहाँ पर जो है वायर्स को इसके अंदर जो है लगा देते हैं। और गाइस इसको जो है अच्छे से हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। और गाइस आप लोग जो है इसकी जगह प्लग के यूज कर सकते हैं, तो गाइस आप लोग को जो है आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गाइस ये जो है वैसे ज्यादा हीट तो नहीं होता कि गाइस आप लोगों को यहाँ पर इसकी लाल वायर्स दिखाई दे, लेकिन गाइस यहाँ पर जो है यहाँ तक तो इसकी हीट आ रही है। तो गाइस आप सभी लोगों को जो है मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, इसकी जो है हीट तो यहाँ पर आ रही है, लेकिन गाइस अगर ये जो है आप लोग को नहीं दिखता है तो गाइस ये इसका जो वायर है वो रेड नहीं होता है। तो गाइस अगर आप लोग जो इसकी जगह पर दूसरी रॉड का यूज करेंगे तो गाइस वो जो है यहाँ पर अच्छे से वर्क करेगा, और गाइस जो है वायर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। मैं गाइस आप लोगों को जो है फिर से बता देता हूँ, गाइस इसकी जो है हीट तो काफी अच्छी जो यहाँ पर आ रही है। तो गाइस इससे थोड़ी देर अगर देखते हैं, अगर जो है इसका अगर वायर रेड होता है तो ठीक है, नहीं तो गाइस ये जो है हीट तो वैसे अच्छी दे रहा है। तो गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जो आप लोगों को यहाँ पर जो है दिखा देता हूँ अंधेरे में। तो गाइस आप सब लोगों को जो है यहाँ पर रेड रेड इसकी जो है वायर्स दिख रही होगी। तो गाइस ये जो है बहुत ही अच्छी यहाँ पर वर्क कर रहा है, और गाइस जो है अच्छी हीट यहाँ पर जो है दे रहा है। तो गाइस आप लोग जो है कुछ इस प्रकार जो है इसको बना सकते हैं। तो गाइस अभी जो इसकी वायर खींच देते हैं, क्योंकि गाइस ये जो है वायर अभी पतली है, इससे गाइस जो है वायर जलने का भी खतरा है। आप लोग गाइस इसकी जगह जो है मोटी वायर का यूज कीजिएगा। तो गाइस आप सब लोगों ने देखा कि हमारा जो है जो हीटर था वो कितना बड़ी वर्क कर रहा था। तो गाइस आप लोग जो इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं, और दोस्तों आप लोग जो इससे ताप भी सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोग हमारे वीडियो पसंद आए हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों ऊपर आप लोग को आई बटन में गिव अवे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो गाइस आप लोग जो है वहां से गिव अवे वीडियो को भी देख सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।